हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेमिंग स्टैंड। और आज हम लोग खेलने वाले हैं हमारा मोस्ट फेवरेट गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं इंडिपेंडेंस डे माइनक्राफ्ट स्टाइल में। मुझे अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और वो भी बिना किसी वजह के। मैं चिल्ला चिल्ला कर उनसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बंद क्यों किया है, क्या अपने ही देश में आजाद घूमना भी अपराध है? पर उन अंग्रेजों ने मेरी एक भी ना सुनी और मुझे इस जेल में बंद कर दिया। इस जेल में मेरे साथ एक और विलेजर बंद है। बेचारा पिछले 10 सालों से यहीं बंद है क्योंकि उसने अपने परिवार को भूख से तड़पते देख अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसने तो हार मान ली है कि वो कभी जेल से बाहर भी निकल पाएगा। उसे लगता है कि उसकी सारी जिंदगी इसी जेल में तड़प तड़प कर कटेगी। दिन गुजरते जा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा ये सिलसिला आखिर रुकेगा कब। एक रात एक जबरदस्त चीख ने मेरी नींद तोड़ दी। विलेजर से पूछने पर उसने बताया कि ये आवाज डेथवेल से आ रही है। डेथवेल जहां अंग्रेज बेचारे विलेजर्स को मौत के घाट उतार देते हैं। डेथवेल के नीचे लावा भरा हुआ है और उसकी हाइट 2 ब्लॉक की है जिसमें वो लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। विलेजर ने मुझे ये भी बताया कि 15 अगस्त की सुबह अंग्रेज मुझे भी उसी डेथवेल में मार देंगे। ये सब सुनने के बाद मुझे लगा मैं वहां से भाग जाऊं। जेल की दीवारें इतनी मजबूत है कि तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैंने विलेजर से पूछा कि उसे इस जेल में 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, उसे कुछ तो ऐसा पता होगा जिससे हम लोग यहाँ से एस्केप कर पाएंगे। लेकिन विलेजर ने डर की वजह से अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। उस जेल के नीचे एक ऐसी सुरंग बनाई गई थी 10 साल पहले। वो सुरंग विलेजर और उसके साथियों ने बनाई थी जिसके बारे में अंग्रेजों को भनक लग गई और अंग्रेजों ने विलेजर के सारे साथियों को उसी डेथवेल में मार दिया। तब से लेके आज तक विलेजर ने इस जेल से एस्केप करने की उम्मीद तक छोड़ दी। उसे ये विश्वास दिलाने के बाद हम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। ये सब सुनने के बाद विलेजर ने मुझे बताना शुरू किया। उसने मुझे बताया कि वॉशरूम के नीचे से सुरंग स्टार्ट होती है और वो सीधा पिरामिड में जाती है। पिरामिड जहाँ अंग्रेजों के पावरफुल हथियार हैं, जिनसे हम अंग्रेजों की पूरी फौज को 1 सेकंड में मार सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि बाहर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी है। लेकिन मैंने भी डिसाइड कर लिया था, अब या तो आजादी मिलेगी या फिर मौत। 14 अगस्त की रात मैंने अपना प्लान शुरू किया। विलेजर को बिना बताए उसके सोने के बाद जैसे ही मैं जागा, मैंने देखा कि अंग्रेज का सीनियर सिपाही पहरे पर निकला है और वो हमारे जेल के बाहर ही खड़ा है। मैंने सोने का नाटक किया ताकि वो चला जाए। उसके चले जाने के बाद मैं सीधा वॉशरूम में गया और उस पत्थर को हटाया। पत्थर को हटाते ही वहां गहरी सुरंग मुझे दिखी जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। सुरंग के अंदर का रास्ता देखकर मेरी सांसें थमी हुई थी, लेकिन ये मेरे आजादी का सवाल था। जैसे ही मैं पिरामिड के अंदर पहुंचा मेरी आंखें चुंधिया गई। पूरे पिरामिड में इतनी रोशनी थी, इतना सोना था। अंग्रेजों ने पूरे भारत से इतना सोना लूटा है, लेकिन अब मेरा मिशन क्लियर था, इन अंग्रेजों से अपने देश को बचाना। वहां पड़े चेस्ट के अंदर सुपर पावरफुल आर्मर, पावरफुल हथियार, डायमंड देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने पावरफुल हथियार उठाए और पावरफुल आर्मर्स पहने और लग गया अपने काम पर।
एक के बाद एक अंग्रेज को मार गिराया। सुबह तक सब अंग्रेज मारे गए। अब समय था भारत का तिरंगा पिरामिड की चोटी पर लहराने का, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर था कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। लेकिन मुझे चेस्ट में इलाइट्रा पड़ी मिली थी जिसकी मदद से मैं पिरामिड की चोटी तक जा सकता हूं। मैंने अपनी इलाइट्रा पहनी और उड़कर पिरामिड के ऊपर पहुंचा। लेकिन वहां पर रेवेजर को देखकर मैं शॉक्ड हो गया। वो वहां पहरा दे रहा था, लेकिन फिर क्या था, मेरे पास भी पावरफुल हथियार थे। मैंने उसे नीचे बुलाया और उसे एक ही वार में उसका खेल खत्म कर दिया। फाइनली मैंने भारत का तिरंगा उस पिरामिड पर लहरा दिया। ये वाकई एक प्राउड मोमेंट था। तिरंगा लहराते ही मैं उस विलेजर को बचाने वापस जेल भागा। और उसे सुरंग के अंदर ना देखकर मैं हैरान हो गया कि आखिर वो गया कहां। लगा कि वो शायद उस सुरंग के रास्ते से बाहर आने की कोशिश में होगा। मैं पिरामिड की तरफ से सुरंग की ओर भागा। और जैसे ही अंदर पहुंचा विलेजर वहीं पर था। उसके चेहरे पर डर था। विलेजर को यकीन दिलाने के बावजूद भी वो बाहर आने से कतरा रहा था। फिर क्या था, लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। उसको मैंने मारना शुरू किया और मारते मारते उसे बाहर लेके आया। बाहर आने पर उसके चेहरे पर आजादी का सुकून था जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी मेरी माइनक्राफ्ट इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कहानी। जब बात अपने देश की होती है तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। आप सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जय। जय हिंद।